नमस्कार, आप જોઈ રહ્યા છો જીએસટીવી ન્યૂઝ અને આપની સાથે હું છું ધ્વનિ। પીએમ મોદી વડોદરા બાદ અમરેલી પહોંચવાના છે, ત્યાં મોટી સંખ્યામાં લોકો તેમને આવકારવા માટે પહોંચ્યા છે। મોટી સંખ્યામાં લોકોની હાજરીના કારણે અનેરો ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। વડાપ્રધાન મોદીના આગમન બાદ અનેક સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ પણ યોજવામાં આવશે। સ્થાનિક લોકોએ જીએસટીવી સાથે વાતચીત કરી હતી। अमरेली जिला में देश का वडाप्रधान नरेन्द्र भाई मोदी आगमन ने लैने अनेरो उत्साह जोवा मळी रह्यो छे। खास करीने लाठीनी अंदर जे पद्मसिंह सौजीभाई धोळकिया द्वारा निर्मित पामेल सरोवर जे भारत सरोवर छे तेनुं लोकार्पण प्रसंग तेमज हूँ तमने जे सभास्थल छे तेना दृश्य बतावा मांगीश। के चित्र पब्लिक जोवा मळी रही छे, भारे उत्साह लोको में जोवा मळी रह्यो छे। खास करीने पब्लिक छे ते सभास्थल पर धीमे धीमे करती आवती जोवा मळी रही छे अने नरेन्द्र भाई मोदी ने आवकार ने लईने लाठीनी अंदर अनेरो थनगनाट जोवा मळी रही छे। खास करीने अनेक पब्लिको जे महिलाओं सहित लोको मोटी संख्या में विक्ट्री फाय आपी रह्या छे। हूँ आपने सीधा दृश्य बतावा जई रह्यो छुं कि लोको नरेन्द्र भाई मोदी आगमन ने लईने अनेरो उत्साह जोवा मळी रह्यो छे। आपणी साथे लाठी गामना आगेवान छे, तेमने पूछवा मांगे भरतभाई केवो उत्साह जोवा मळे छे? आज लाठी में एटलो थनगनाट छे कि हरेक लाठी नरेन्द्र भाई ने जोवा एक झलक जोवा माटे विकासना कार्यो जे आपवाना छे भेट स्वागत रूपे एने जोवा माटे आजे उत्साह भेर अहींया लोको पधारी रह्या छे। त्यारे समग्र लाठी पंथक अने अमरेली डिस्ट्रिक्टमां हालमां नरेन्द्र भाई मोदी आगमन ने लईने अनेरो उत्साह जोवा मळी रह्यो छे। कल्पेश खेर, जीएसटीवी अमरेली। तो શું છે પીએમ મોદીનો અમરેલી કાર્યક્રમ? તો ભારત માતા સરોવરનું તેઓના હસ્તે લોકાર્પણ થવાનું છે। દૂધાળા અમરેલી ખાતે આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। તો આ સાથે જ અમરેલીમાં 4800 કરોડના વિકાસ કાર્યનું ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે થવા જઈ રહ્યું છે। નારણ સરોવર હિતની હવેલીની પણ ત્યારબાદ તેઓ મુલાકાત લેવાના છે। દૂધાળા ખાતે સમગ્ર કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હોવાનું માલુમ પડી રહ્યું છે। ઘણા દિવસોથી તેને લઈ અને તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી હતી, ત્યારે અત્યારે હાલ તો સૌ કોઈ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના આગમનની રાહ જોઈ રહ્યું છે। तो वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी आज गुजरात ना मेहमान बन्या छे, त्यारे वडोदरा बाद तेओ अमरेली पधारवाना छे। अमरेली ना लाठी तालुका ना दूधाळा मा पीपीपी मॉडल थी करोड़ों ना खर्चे बनावायेला भारत माता सरोवर नु लोकार्पण तेमना हस्ते थवानु छे। त्यारे 6 जिल्ला माथी लोको सभा मा हाजरी आपवा माटे पहोंची रह्या छे। अमरेली जिल्लाना लाठीनी अंदर देशना वडाप्रधान नरेन्द्र भाई मोदी थोड़ी ज वारनी अंदर सभा स्थलों पर पहोंची रह्या छे। त्यारे आपणी साथे सावरकुंडलाना धारासभ्य महेशभाई कसवाला छे, तेमने हुं पूछवा मांगे महेशभाई केवो अनेरो उत्साह जोवा मळी रह्यो छे? नदी ने पुनर्जीवित करवानुं काम राज्य सरकारना सहयोगथी माननीय सौजीभाई ધોળકિયાએ कर्युं छे अने एमाना एक सरोवरनुं आजे भारत माता जेनुं नाम भारत माताની साथे नामकरण कर्युं छे एनुं पण लोकार्पण आजे स्वयं प्रधानमंत्री करवाना छे। जे रीते नरेन्द्र भाई कच्छमां भूज अने नलियानी वच्चे जोड़ती गेज कन्वर्जन करती 1094 करोड़नी બ્રોડગેજ રેલવે લાઇનની વાત હોય કે 705 કરોડ રૂપિયાના પાણી પુરવઠાના કામ હોય, 5000 કરોડ રૂપિયા કરતાં વધુ કામોની ભેળ જ્યારે નરેન્દ્રભાઈ સૌરાષ્ટ્ર અને રાજકોટને આપવાના। तो वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी अमरेलीना लाठीना दूधाड़ा गामे भारत माता सरोवरनुं लोकार्पण करवाना छे। त्यारे भारत माता सरोवरने लाइटोथी शणगारवामां आव्युं छे अने रोशनीनो भव्य नजारो जोवा मळी रह्यो छे। आ उपरांत સૌજી ધોળકિયાની હવેલીને પણ ભવ્ય રીતે સજાવવામાં આવી છે, તેમજ સમગ્ર દૂધાડા રોશનીથી જગમગી ઉઠ્યું છે। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अने स्पेनना वडाप्रधान पेड्रो सांचेस वडोदरा विमानी मथकथी टाटा एरक्राफ्टना कार्यक्रम स्थळ सुधी खुल्ली जीपमां रोड शो तेओए कर्यो हतो। टाटा एरबसनी फाइनल एसेम्बली लाइननुं उद्घाटन करवा माटे वडोदरा पधारेला भारतना वडाप्रधान
नरेन्द्र मोदी और स्पेन वडाप्रधान पेड्रो सांचेज आ भव्य रोड शो योजना जेमा वडोदरावासी द्वारा बने महानुभावों ने नगरजनों द्वारा अदम्य उत्साह साथ आवकार वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी लोगों अभिवादन झीलता जोवा मळ्या। आ रोड शो की आसपास भारतीय संस्कृति की झांकी जोवा मळी। रोड शो ने लई अने एरपोर्ट सर्कल थी छेक टाटा फेक्टरी सुधी मार्ग में एक तरफ शहरीजनों स्वयंभू गोठवाई गया। केटलीक संस्थाओं द्वारा 3000 जेटला सी 295 विमानना बेनर आपवामां आव्या। आ बेनरनी साथे निवृत्त सेना जवानो, युवानो, युवतीओ, बाळको हाथमां बेनर्स लहेरावता नजरे पड्या। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी और स्पेन वडाप्रधान पेड्रो सांचेजे वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड कैम्पस खाते सी 295 एरक्राफ्ट उत्पादन माटे टाटा एरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स संयुक्तपणे उद्घाटन कर। सी 295 प्रोग्राम हेठ कुल 56 एरक्राफ्ट है, जेमाथी 16 एरबस द्वारा सीधा स्पेन थी डिलीवरी करावामां आवी छे अने बाकीना 40 भारत में बनावामां आवनार छे। बाकीना 40 एरक्राफ्ट भारत में बनावाना छे। टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड द्वारा भारत में 40 विमान बनावामां आवशे। भारत में सैन्य विमानों माटे खानगी क्षेत्र की प्रथम फाइनल एसेम्बली लाइन हशे। आ फेसिलिटी खाते एरक्राफ्ट फाइनल एसेम्बली लाइन उपरांत प्रोडक्शन एसेम्बली अने परीक्षण माटे जरूरी सहायक दुकानों हशे। वडोदरा खातेनी फेसिलिटी ने अद्यतन एरक्राफ्ट मेन्युफेक्चरिंग सेंटर तरीके डिजाइन करवामां आवी छे, जेमां वैश्विक श्रेष्ठ औद्योगिक पद्धतिओ अने प्रक्रियाओनो समावेश करवामां आव्यो छे। वडोदरामां सी 295 एरक्राफ्ट निर्माणना कॉम्प्लेक्सना लोकार्पण प्रसंगे वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीए कह्युं के आ भारत स्पेननी दोस्तीनो नवो अध्याय छे। भारतमां मेन्युफेक्चरिंग क्षेत्र नवी ऊंचाईए पहोंच्शे। आ साथे तेमणे आ प्रसंगे स्वर्गस्थ रतन टाटाने पण याद कर्या। तेमणे कह्युं के अत्यारे रतन टाटा जीवित होत तो आ प्रोजेक्टनी शरूआत थता तेओ सौथी वधु खुश होत। तेमणे टाटानी समग्र टीमने पण अभिनंदन पाठव्या हता। कुछ समय पहले ही हमने देश के महान सपूत रतन टाटा जी को खोया है। रतन टाटा जी आज अगर हमारे बीच होते तो शायद सर्वाधिक खुशी उनको मिलती, लेकिन उनकी आत्मा जहां भी होगी वो आज प्रसन्नता का अनुभव करते होंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीए जणाव्युं हतुं के अमे भारत स्पेननी पार्टनरशीपनी नवी दिशा आपीए छे। मेक इन इंडिया, मेक फॉर ध वर्ल्ड मिशनने सशक्त करवा जई रह्या छे। बे वर्ष पहेला ऑक्टोबरमां फेक्टरीनું ખાતમુહૂર્ત થયું અને આજે ઓક્ટોબરમાં ઉદઘાટન થયું છે। અહીં બનતા વિમાન બીજા દેશોમાં એક્સપોર્ટ કરાવવામાં આવશે। ભારત કી સ્પીડ સે કામ કર રહા હૈ યે યહાં દિખાઈ દેતા। 2 साल पहले अक्टूबर में ही महीने में इस फैक्ट्री का निर्माण शुरू हुआ था। आज अक्टूबर महीने में ही ये फैक्ट्री अब एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन के लिए तैयार है। मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में इस एयरक्राफ्ट फैक्ट्री में बने विमान दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट किए जाएंगे। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी और स्पेन वडाप्रधान वच्चे द्विपक्षीय बैठक योजाई। आ द्विपक्षीय बैठक में वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी जणाव्यु कि अपनी भागीदारी सदियों जूनी है। लोकशाही और कायदाना शासन जेवा मूल्यों में वहचायेलो विश्वास अमने एक साथ बांधे। अमारो घणा क्षेत्र में मजबूत सहयोग है। अर्थतंत्र, संरक्षण, फार्मा, आईटी, विज्ञान और टेक्नोलॉजी बन्ने वैश्विक शांति, समृद्धि अने लोको वच्चेना संपर्को पर भार मूकीए छीए, जे आपणा संबंधों माटे मजबूत पायो पूरो पाड़े छे। लोको वच्चेना वधता संबंधोने ध्यानमां राखी आ वर्षे भारते बार्सेलोना स्पेनमां एक नवुं वाणिज्य दूतावास खोल्युं छे। अमारी भागीदारीने वधु गतिशील अने बहुपक्षीय बनावे छे। हमारी साझेदारी सदियों पुरानी है,
लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसी वैल्यूज में साझा विश्वास हम दोनों को जोड़ता है। इकोनॉमी, डिफेंस, फार्मा, आईटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कई क्षेत्रों में हमारा मजबूत सहयोग है और हम दोनों वैश्विक शांति, समृद्धि और सहयोग पर बल देते हैं। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी वडोदरा की मुलाकात हता त्यारे स्पेन ना वडाप्रधान साथे वडोदरा ना लक्ष्मी विलास पैलेस नी पण तेवे मुलाकात ली थी अने त्यां लंच पण लीधो। आ दरमियान तेवने शाही भोजन पीरसवामां आव्युं। मळती माहिती अनुसार पेड्रो सजांस अने तेमना पत्नी ने शाही भोजन में खास करी चटाकेदार गुजराती वानगी पीरसवामां आवी। भोजन में स्टार्टर में मिक्स फ्रूट सैलेड, वेज सैलेड, स्पाइसी कर्ड जेवी वानगीओ, मेन कोर्स में ढोकळा, हांडवी, भजिया, कचोरी, पूरी, रोटली, खीचड़ी कढ़ी, रींगण वटाड़ा नु शाक, टिंडोड़ा काजू नु शाक, भिंडी ना रवैया, छाश अने विविध प्रकार की चटणीओ पीरसवामां आवी। मिठाई में मगनी दाल नो हलवो, पूरणपोड़ी, बासुंदी, रबड़ी पीरसवामां आवी। बन्ने देशना वडाओनी मुलाकात ने लई अने लक्ष्मी विलास पैलेस ने किल्लेबंदी करी देवामां आवी हती। टाटा फेक्टरी उद्घाटन करने वडोदरा पधारेला भारत वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी और स्पेन वडाप्रधान पेड्रो सांचेस ने आवकार योजना रोड शो में एक विशेष प्रसंग जवा शहर की एक दिव्यांग विद्यार्थिनी ने मल्वे आ बने महानुभाव पोता काफला ने रोकवी और नीचे उतरिया और आ छात्रा ने मब्या। तो आ साथ एमएस यूनिवर्सिटी में अभ्यास करती विद्यार्थिनी दिव्या गोसाई उत्तम चित्र कलाकार ते परिवारजनों साथे बन्ने वडाप्रधान ना जाते दोरेला चित्रनी फ्रेम साथे मार्ग पर उभा रहा हता अने महानुभावना आगमन ने आतुरतापूर्वक राह जोई रहा हता। एवामां रोड शो नो काफलो आ तरफ थी पसार थयो अने तेवामां बन्ने वडाप्रधान नी नजर आ छात्रा पर गई तेथी आ आखो काफलो रोकी देवामां आव्यो। बन्ने महानुभावो पोतानी खुल्ली जीपमांथी नीचे उतर्या अने आ दिव्यांग छात्राने मळवा तेनी पासे पहोंची गया। दियाए बन्ने वडाप्रधान ने तेमना चित्रनी फ्रेम भेट आपी जेने बन्ने महानुभावोए सहर्ष स्वीकारी लीधी अने दियाने शुभकामना पण आपी। उन्होंने पहले स्केच लिए, फिर वो नीचे आए, मुझसे हाथ मिलाया, फिर दोनों ही नीचे आए थे, उन्होंने पूछा, फिर उन्होंने मुझसे बात की और थैंक यू कहा, तो मुझे बहुत खुशी हुई। क्या क्या बातचीत क्या हुई आपकी दोनों प्राइम मिनिस्टर के साथ? उन्होंने पूछा मेरा नाम पूछा, फिर कैसी हो, कहाँ से हो, फिर स्पेन के पीएम नीचे आए तो मोदी जी ने मेरा इंट्रोडक्शन उनको दिया कि मैं फाइन आर्ट्स में पढ़ती हूँ और थैंक यू कहा उनको। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गुजरात मुलाकात पर कांग्रेस प्रदेश प्रमुख शक्तिसिंह गोहिले ट्वीट कर्यो, जेमा तेमणे भाजप सरकार पर आकरा प्रहार करता कहूं कि तमारी पुलिस वडोदरा में केटलाय जागृत नागरिकों ने गईकाल थी अरेस्ट करी अने बैठी छे। विश्वामित्रीनुं पाणी वडोदरा में आव्युं अने जे विनाश थयो त्यारे तमे पधार्या होत तो कदाच साची खबर पड़ी होत। कुदरती पाणीना निकालना रस्ता उपर दबाणू दूर कराओ अने योग्य वर्तन माटे आदेश करवामां आवे तेवी विनंती शक्तिसिंह गोहिले करी हती। तो तेमणे खेडूतो माटे पण वात करता कह्युं के हाल अतिवृष्टिना कारणे खेडूतोनी हालत खूब ज दयनीय जोवा मळी रही छे। खेडूतो आत्महत्या करी रह्या छे त्यारे सरकारे खेडूतोने योग्य वर्तन आपवुं जोईए। वडाप्रधान मोदी अने स्पेनना पीएम पेड्रो सांचेसे वडोदराना लक्ष्मी विलास पैलेसनी मुलाकात लीधी। आ साथे ज बन्ने महानुभावोए भोजन पण लीधो। बन्ने देशना वडाप्रधाने ऐतिहासिक एरक्राफ्ट अंगे केटलाक करार पण कर्या। तो आ साथे नेताओना मानमां राजमहलमां खास भोजननुं पण आयोजन करवामां आव्युं हतुं। भारत वडाप्रधान
नरेंद्र मोदी અને સ્પેનના વડાપ્રધાન હવે અહીંયાથી વિદાય થઈ રહ્યા છે. જે પ્રકારનું દ્રશ્ય છે આ વડોદરાનું જોઈ શકો છો આપ સીધું જ આ દ્રશ્ય કે રાજમહેલમાં ઐતિહાસિક મીટિંગ બાદ બંને દેશના વડાઓ હવે અહીંયા ગાડીથી નીકળી ચૂક્યા છે. તેઓ હવે જે દ્વિપક્ષીય વાર્તાલાપ હતો એ પૂર્ણ થઈ ચૂક્યો છે. ભોજન હતું એ ભોજન, ત્યારબાદ અનેક વાટાઘાટો ગુજરાતી ભોજન પીરસવામાં આવ્યું નેતાઓને, અને હવે તેઓ હવે તમામ લોકો અહીંયા ગાડીથી પસાર થઈ રહ્યા છે. જે પ્રકારનું દ્રશ્ય વડોદરાનું કે વડોદરા માટે આજનો દિવસ ઐતિહાસિક હતો, કારણ કે દ્વિપક્ષીય વાર્તાલાપ થયા, અનેક મુદ્દાઓ પર ચર્ચાઓ થઈ, સબમરીનની અંગે પણ ચર્ચાઓ થઈ હોવાની વાત છે. C295ના જે રીતે મેન્યુફેક્ચરિંગ અને એસેમ્બલિંગના પ્રોજેક્ટ માટે આજે હસ્તાક્ષર થયા. વડોદરા માટે આજનો દિવસ ઐતિહાસિક, અનેક વાટાઘાટો, 1.5 કલાકથી પણ વધુ સમય રાજમહેલમાં બંને નેતાઓએ ગાળ્યો છે. સાથે સાથે અનેક જે સ્પેનથી આવેલું પ્રતિનિધિમંડળ જે હતું ડેલિગેશન એ પણ, અને જે ભારતનું ડેલિગેશન સાથે પણ દ્વિપક્ષીય વાર્તાલાપ થયા. એટલે ચોક્કસ કહી શકાય કે વડોદરા માટે આજનો દિવસ અને દેશ માટે ઐતિહાસિક કહી શકાય.